सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब सरकार दोस्तों आपकी शान क्या है? मैंने दो तीन बात दर्ज करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौसपाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। गौसे आजम की चौखट पर बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो, इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना। इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जाओ, कयामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटमटा कर चलता है कयामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अजाब में गिरफ्तार होगा तो तेरा क्या हाल होगा? इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आजम का नाम रखो ताकि कयामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तजा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाह हू अकबर। गौसे आजम की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौसे पाक के मुरीद जाते हैं और जा जाके कहते हैं, हुजूर कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आजम से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आजम से मेरी सिफारिश कर देना। सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आजम के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आप फरमाया जाओ मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया जाओ मैंने उसको माफ कर दिया। कैसे माफ करना था? वो शख्स हवाओं में प्रवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा हुजूर ये क्या है? कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में चलती है। गौसे पाक फरमाती है अपने मुरीद से, बेटा वो यानी इतने बड़े मरे मरे पे फाइज था, वली हजारों होते लाखों होते हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते सिर्फ। एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते, वली होंगे हजारों लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बलाएं आती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह हू अकबर। गौस पाक फरमाते हैं वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था। अब्दाल का फरमाया उसकी वजह क्या थी? वो पड़ा हुआ क्यों था? तीन अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे जब मेरी खानकाह आई। एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह हू अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमा। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते थे वो गौसे आजम की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते हैं तुझसे दर, दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग और सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसके हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा,